लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारा पहला मरीज भर्ती हुआ था कनाडा से आई हुई एक महिला चिकित्सक, उनकी कल रिपोर्ट, कल रात में जो रिपोर्ट थी वो निगेटिव आ गई है। आज उनका रिपीट सैंपल किया गया है, अगर दोबारा वो रिपीट सैंपल निगेटिव आ जाएगा तो उनके हॉस्पिटल से क्योर्ड हालत में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सर एक आज नया मामला आया है, जो जो एक सिंगर हैं वो जगह जगह गई और तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, कोरोना वायरस की क्राइसिस तो 2 महीने से विश्व में चल रही है। इसके मद्देनज़र रखते हुए किसी तरीके के सामाजिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध था। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कार्यक्रमों में सामाजिक सांस्कृतिक जहां एकत्रीकरण हो उससे बचे। तो उनका चूँकि इंग्लैंड से आई थी तो लगता है कि बीमारी वो बाहर से ही लेके आई और उनका पॉजिटिव पाया गया हमारी लैब में। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ उनको संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में भर्ती भी कर दिया गया इलाज के लिए। उनके साथ जो लोग संपर्क में आए होंगे उन सभी लोगों के सैंपल्स को जिला प्रशासन ढूंढ के उनको सैंपल को हमारे यहाँ भेज रहा है और सबकी जाँच करके ही पुष्टि की जा सकेगी कि कितने लोग संक्रमित हैं या कितने खतरे में हैं। सर प्रधानमंत्री ने कल कहा कि एक दिन का जनता कर्फ्यू लगेगा, तो क्या हालात हैं कि लोग अपने घरों में रहें ज़्यादातर या कुछ काम करने के लिए निकल सकते हैं? उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के आह्वान का बहुत व्यापक असर पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण को ऑनलाइन सुन रहा था और मैंने देखा कि करीब 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख के आसपास लोग ऑनलाइन सुन रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों, जनतंत्र के माध्यमों से भी जानकारी बहुत लोगों तक गई है।